हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट में और हमारी गणित श्रृंखला में जो कि एकदम प्योर हिंदी में चल रही है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे एपिसोड नंबर 5 की हमारी संख्या पद्धति का, जिसमें अपन बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 की। बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली, केवल 2 क्वेश्चन है, लेकिन दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा आते ही आते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस एपिसोड को देखिएगा, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा ताकि आप एग्जाम में एकदम अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर सकें, है ना। और जितने भी लोगों ने हमारे पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके हमारे पहले के एपिसोड को वॉच कर सकते हैं। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स उनको मिले सबसे पहले। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। तो अपनी प्रश्नावली 1.4 को स्टार्ट कर लेते हैं संख्या पद्धति की। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। अब हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर इस नंबर को दिखाना है, लेकिन यूज क्या करना है, उत्तरोत्तर आवर्धन का इस्तेमाल करना है। अब उत्तरोत्तर आवर्धन मतलब, आवर्धन का मतलब क्या होता है, चीजों को क्या कर देना, विस्तार कर देना, मैग्नीफाई कर देना। नहीं समझ में आया, मतलब कि आप देसी लैंग्वेज में समझाते, चीज़ों को जूम कर देना, है ना। जैसे आप क्या करते हो, फोटो को जूम करते हो तो एकदम क्लियर दिखाई देती है, वैसे ही हमको क्या करना है, संख्या रेखा को जूम करना है और वहां पे बताना है कि 3.765 कहाँ आता है, है ना, वो हमको प्लॉट करना है। तो सभी को पता है संख्या रेखा क्या होती है, हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की है, वो रेखा जिसमें कई सारे नंबर हमको दिखते हैं प्लॉट किए हुए, वो हमारी क्या होती है, संख्या रेखा। ऐसे ही तो बनती है, देखिए यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए इनफाइनाइट तक जाती है। यहाँ -1 होता है, यहाँ -2 होता है, यहाँ -3 होता है, यहाँ -4 होता है, इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक जाती है। यही तो होती है हमारी संख्या रेखा। तो इस पे हमको इस नंबर को क्या करना है, प्लॉट करना है। आइए देखते हैं, प्लॉट करते हैं जल्दी से, सॉल्यूशन करते हैं नंबर का, है ना। तो हम लोग इसको टफ करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, ताकि हमको जगह मिले थोड़ा, है ना, चीज़ों को जूम करके हम आपको दिखा सकें। नंबर क्या था हमारा, नंबर हमारा था 3.765 को हमको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम बना लेंगे नंबर लाइन, ये बन गई भाई, है ना, संख्या रेखा बन गई। यहाँ था 0, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ तक ही बना लेते हैं। और निगेटिव में बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमसे निगेटिव नंबर पूछ नहीं रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहीं तक बना लेते हैं। अब देखिए हमको ये पता करना है कि 3.765 इसमें से आता किस किस नंबर के बीच में, क्योंकि चीज़ों को हमको जूम करना है। यहाँ पे तो दिख नहीं रहा 3.765, हमको इन दोनों नंबर मतलब किसी नंबर के बीच में दिखेगा, तो ये किन दो नंबर के बीच में आता है सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो 3.765 को अगर हम देखें तो ये हमारा 3 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन 4 से छोटा है, तो कहीं ना कहीं ये 3 और 4 के बीच में आएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 को जूम करेंगे, भाई जूम करो नंबर लाइन में, ये रहा हमारा 3 और ये रहा हमारा 4। अब इसके बीच में कई सारे नंबर आएंगे, कौन कौन से नंबर आएंगे उनको देख लेते हैं। आएगा 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और ये 3.9, है ना। उसके बाद आएगा हमारा 4 आएगा, समझ में आई बात। तो ये हमारा जूम हो गया। अब हमको पॉइंट के बाद एक नंबर तो मिल गया 3.7, ये मिला। अब हमको चाहिए 3.7 के बाद 6, तो 3.7 के बाद 6 किसके किसके बीच में आएगा, कहीं ना कहीं 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। यानी इसको अगर हमको पूरा नंबर देखना तो इसको अभी और जूम करना पड़ेगा। अब हम किसके बीच किसको किसको जूम करेंगे, 3.7 और 3.8 को। ये रहा हमारा 3.7, ठीक है, और ये रहा हमारा 3.8। बहुत ईजी है, बस ध्यान से देखना, एक बार समझ गए तो पूरा कर लोगे अपने मन से। 3.71 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, फिर आएगा 3.72, फिर आएगा 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और ये रहा 3.79, ठीक है। अब हमको क्या मिल गया, 3.7 यहाँ मिला, 3.76 यहाँ मिल गया। अभी हमको 3.765 चाहिए। अब इसको ये किसके किसके बीच में आएगा, तो 3.765 जो है ये कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर के बीच में आएगा, 3.76 और 3.77 को। अब हम क्या करेंगे, इनको जूम करेंगे, जूम करो भाई, है ना। तो जूम कर दिया, 3.76 हो गया यहाँ पे और ये हो गया 3.77।
अब 3.76 और 3.77 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 3.76 एक आएगा, 3.76 दो आएगा, 3.76 तीन आएगा, 3.76 चार आएगा, 3.76 पाँच आएगा, है ना। फिर 3.76 आएगा, 3.77 आएगा, फिर 3.78 आएगा, फिर 3.769 आएगा, फिर 3.77 आएगा। समझ में आ रही बातें? अब देखिए यहाँ पर 3.765 हमको दिख गया ना, बड़ा बड़ा ये रहा, इसको हम दे देते हैं बिंदु ए, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3.765 को हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया, यहाँ हम बोल सकते हैं अतः बिंदु ए, बिंदु ए संख्या रेखा पर 3.765 को प्रदर्शित कर रहा है ना, यही तो बोलेंगे, प्रदर्शित कर रहा है। ये हमारा हो गया उत्तर यानी आंसर। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी अपनी प्रश्नावली 1.4 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि दो ही क्वेश्चन थे, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, मजा आ गई होगी आपको, है ना। मजा आ गई तो भाई वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से नोट कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर एक को समझ में आया हो तो शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी लोग क्या करें, ठीक है, लेक्चर को देख सकें। चलिए अपन बात कर लेते हैं प्रश्नावली 1.4 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, है ना। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दिखाइए, है ना। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर टू में, बोल रहा है 4.4 ठीक है, स्थानों तक संख्या रेखा पर, ठीक है, 4.26 ऐसे ऐसे करते, ये एक हमको नंबर दिया हुआ है, इसको क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। ये इन्फाइनाइट तक गया है, दिखाइए, ये हमसे बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन में। अब देखिए ये हमको कैसा नंबर दिया है, ये हमको दिया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि एक हमको कैसा नंबर, ये हमारी एक परिमेय संख्या दी हुई है जो कि पूरी तरीके से विभाजित नहीं हुई है, रिपीट कर रही है। तो हमसे बोल रहा है ये तो इनफाइनाइट तक जाएगी, तो पूरा तो हम मैग्नीफाई करेंगे नहीं, हमसे बोल रहा 4, मतलब कि दशमलव के बाद 4 संख्या तक हमको क्या करना है, इसको मैग्नीफाई करना है। यानी अगर हम ओवरऑल नंबर देखें तो ओवरऑल नंबर हमारा आएगा 4.2626, यानी 4.2626 को हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। बहुत ही आसानी से हम लोग दिखा सकते हैं पहले की तरीके। देखिए जिन्होंने हमारे पहले को कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, मतलब पहला क्वेश्चन समझ लिया है, वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। और जिनको अभी भी नहीं समझ में आया वो देखें, और इस बार आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ना। तो क्या है 4.2626, भाई कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट लेके जाना है आपको यहाँ से, है ना। क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख के तभी तो कर पाओगे ना उसको। चलिए बात करते हैं 4.2626 की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से एक संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ हमने बोल दिया ये हमारा भाई साहब 0 है, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, इस तरीके से हमने नंबर लाइन बना ली, है ना। अब हमको पता है 4.2626 जो है हमारा, ये कहीं ना कहीं किससे छोटा है, 5 से छोटा है, और किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है, यही तो बोलेंगे, ये नंबर हमारा 5 से छोटा है और 4 से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये 4 और 5 के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 को जूम करेंगे, ये रहा हमारा 4, है ना, और ये रहा हमारा 5, भाई जूम कर दिया हमने। अब इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 4.1 आएगा, 4.2 आएगा, 4.3 आएगा, 4.4 आएगा, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और ये रहा 4.9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको देखना क्या है, 4.2 ये दिखा आपको, अब 4.2 के बाद कौन सा चाहिए, 6 चाहिए, तो ये किस किस के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में, इनको जूम कर दो, ये रहा हमारा 4.2 और यहाँ पे रहा हमारा 4.6,
3, जूम करेंगे कितना आएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। ठीक, अब देखिए 4.26 हमको यहाँ मिल गया, अब फिर से चाहिए हमको 2, तो हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच में एक्सटेंड करने, मतलब कि इसको जूम करेंगे, किसको किसको 4.26 और 4.27 को। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, इसको हम दोनों को क्या कर देंगे जूम, तो यहाँ पे आएगा 4.261, फिर 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, अब आगे आप लोग लिख लेंगे ना 4.266, 4.267, 4.268 और 4.269, ये आप लोग सफाई से लिख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें क्या चाहिए था हमको, 4.262 ये मिला हमको, मिल गया ना, अब फिर से हमको क्या चाहिए 6 चाहिए, तो देखिए अब हम क्या करेंगे इन दोनों नंबर को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे कर दे, चलिए हम लोग करेंगे 4.262 को, ठीक है, और 4.263 को, इन दोनों को हमको क्या करना है एक्सटेंड करना 4.263 को। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए तो अब देखिए 4.262 और 4.263 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 4.261 आएगा, सॉरी 2621 आएगा, है ना, 4.262 दो आएगा, 4.2623 आएगा, फिर 4.2624 आएगा, फिर 4.2625 आएगा, फिर यहाँ 4.2626 आएगा, है ना, इसके आगे भी नंबर आएंगे कई सारे, वो आप लोग लिख सकते हैं, क्या आएगा 4.2627 आएगा, फिर इसी तरीके से 4.2628, 4.2629। हमको प्लॉट क्या करना था 4.262, ठीक है, 2626 को, तो देखिए यहाँ पर 4.2626, इसको हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, मान लीजिए पी पॉइंट हमने लिख दिया, तो हम बोलेंगे बिंदु पी संख्या रेखा पर 4.2626 को, ठीक है, दिखा रहा है या प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर। तो देखिए किस तरीके से हम लोग, अगर हमारे पास आवर्धन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन का यूज करके हमको कैसे संख्या रेखा पर नंबर को प्रदर्शित करना है, तो आप लोग समझ गए ना, यही मेथड हम लोग यूज करेंगे हमेशा और हमेशा, कभी भी अगर हमसे उत्तरोत्तर आवर्धन का क्वेश्चन आता है। तो ये हमारी प्रश्नावली 1.4 का लास्ट क्वेश्चन था, समझ में आया, ठीक है, मजा आई आपको वीडियो में, तो जल्दी से लाइक ठोक दो। आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।